बावड़ी जा हिंगलाज में दास। एक वक्त भोला भाला माँ के दरबार में जाके कहने लगा, मैया तेरे दरबार में लाखों करोड़ों भक्त आते हैं जिनका तू उद्धार करती बेड़ा पार करती, पर आज मैं भी तेरे दरबार में कुछ न कुछ अरदास और अपने दिमाग में श्रद्धा तेरे चरणों में लाया। तो भक्त कहने लगा, माँ से भैया अरे सुबह लिया जाए और या शाम लिया जाए। हे माँ, कहते जो माँ एक ही माँ होती है जगत को तारने वाली, एक माँ होती है जन्म देने वाली। एक बार कहीं अपने अपने माता पिताओं की जन्म देने वाली मैया की, तो कहा वक्त ने माँ अरे सुबह लिया जाए और या शाम लिया जाए। क्या लिया जाए? उसका भी एक कारण है। अरे सुबह लिया जाए और या शाम लिया जाए। अरे जन्म देने वाली माँ का नाम लिया जाए। इसलिए कहना मेरा, जितने भक्त इस दरबार में सम्मानित है सभी ध्यान से सुने। जगराता किस लिए होता है कि अच्छी बात को यहाँ से ले जाना और ये बुरी बात को यहाँ छोड़ जाना। अगर एक बेटा माँ जन्म देती है 9 मास गर्भ में रखकर, अगर वो ही बेटा माँ को छोड़कर धक्के मार कर बाहर निकाल दे, ऐसे बेटे पर धक्का है। कहते अरे सुबह लिया जाए या शाम लिया जाए, जन्म देने वाली माँ का नाम लिया जाए। ये जन्म देने वाली माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती गुरुदेव, जन्म देने वाली माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और उस माँ की बात इस माँ से टाली नहीं जाती। एक माँ घर घर में काम कर कर बर्तन मांज कर पांच पांच बेटाओं को पाल लेती है, पर शादी हो जाने के बाद उन पांच बेटाओं पर एक माँ पाली नहीं जाती। इसलिए कहा अरे एक बेचारा बहादुर भैया, अरे एक बेचारा दुख कमारा परदेश से गांव में आया था। एक बेचारा एक कमारा परदेश से आया था। अरे घर आ करके घर वालों से एक सवाल वो पाया था। घर वालों से घर आ करके एक सवाल वो पाया था। कौन सा सवाल है वो? अरे भाई बोला भाई से कुछ लाया के नहीं। अरे भाई बोला भाई से कुछ लाया के नहीं। क्या भाई ये बात पूछता है कि परदेश से आया मेरे कुछ लाए लिए लाया है या नहीं? और पत्नी कहती है अरे पत्नी बोली पति से कुछ कमाया के नहीं। अरे पत्नी बोली पति से कुछ कमाया के नहीं। पत्नी ये कहती है कि परदेश से आयो कुछ मेरे लिए लायो कमा के, या सारी दौलत अपने माता पिता को देके। बेटा उस दिन का एहसान भूल जाता है जिस समय कटाकट की ठंड भी पड़ती थी तो माँ उसके पेशाब करे हुए गीले में सो जाती थी गुरुदेव, और स्वयं उस बेटे को सूखे में सुलाती थी कहीं मेरे बच्चे को सर्दी ना लग जाए। कहा अरे पत्नी बोली पति से कुछ कमाया के नहीं। अरे पत्नी बोली पति से कुछ कमाया के नहीं।
और माँ जिस माँ ने हमें जन्म दिया और जिस पिता ने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, वो पिता क्या कह रहा है? और पिता बोला हंस करके, पिता बोला सुन करके, बेटा आया के नहीं सच्चे दरबार की। और पिता बोला हंस करके, बेटा आया के नहीं। और माँ जिस माँ ने हमें जन्म दिया वो माँ क्या कह रही है? और माँ बोली, माँ बोली मेरे बेटा खाना खाया के नहीं। अरे माँ बोली बेटा से खाना खाया के नहीं। ऐसी बात नहीं गुरुदेव, अच्छी बात तो पविदान आता है। अब कहा वक्त नहीं, और एक खेती जब सूख जाए। और ये आदरणीय चिंता मत करो, तुम्हारा तुलसीदास भैया जी ध्यान है। कहा और एक खेती जब सूख जाए, वक्त जब रुक जाए, मौसम के बाद बरसात की सुकाम की, मौसम के बाद बरसात की सुकाम की, मौसम के बाद बरसात की सुकाम। और ये दशरे गिरनाश गीत मैया जी सभी माता बहना दस लगानी माता रानी सदा बना रखे। कहा और एक खेती जब सूख जाए, भक्त जब रुक जाए, और मौसम के बाद हमारे साथ किस काम की, मौसम के बाद हमारे साथ किस काम की, मौसम के बाद हमारे साथ किस काम की। और किन किन के जोड़ू हाथ भक्त पे न देवे साथ, गीत मैया अरे किन किन के जोड़ू हाथ भक्त पे न देवे साथ, अरे अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। क्या अरे किस किस के जोड़ू हाथ भक्त पे न देवे साथ, और अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। और माता बहनों, अरे जो माता पिता के आंसू न पहुंच सके गुरुदेव, अरे जो माता पिता के आंसू न पहुंच सके, अरे तुम ही बता दो वो औलाद किस काम की, तुम ही बता दो औलाद किस काम की। क्या भाई किसने? और ये दशरथ दान अत्रौली से माता रानी को छोड़ अरदास ला, माता रानी सदा बना रखे। कहते हैं कि काशी जाओ मत हो जाओ, जाए जाओ हरिद्वार, काशी जाओ मथुरा जाओ, जाए जाओ हरिद्वार, अगर तुम्हारे घर के माता पिता रुष्ट हैं तो तुम्हारी सब तीरथ बेकार। हल्की सी ऐसा एक नहीं, एक हजार जागरण करा लो, जब तक तुम्हारे घर के माता पिता खुश नहीं है ये भी ना खुश नहीं होती है। काहे किसने? अरे माँ की गोदी में हम सो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, माँ की गोदी में हम सो रहे हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं। क्यों बहादुर भैया तो इतनी दूर क्यों है माँ, बताना राज क्या है माँ, मैं तेरा हूँ बुला ले तू, गले फिर से लगा ले तू। ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ, ओ माँ गाने गाते हैं प्यारी माँ, ओ माँ प्यारी माँ। क्यों तेरे आंचल के छाया को गुरुदेव, तेरी आंचल की छाया को मेरी नींदें तरसती है, आंचल की छाया में कोयल की नींदें तरसती है। और माँ
ममता के आंचल को, तेरे ममता के आंचल को मेरी अखियां बरस दी है, तेरी ममता की छाया को मेरी अखियां बरस दी है। और कैसा वक्त मैया के इकला रो रहा हूँ मैं, के मुखड़ा धो रहा हूँ मैं, तेरा हूँ बुला ले तू गले फिर से लगा ले तू। ओ और ये नरेंद्र भैया जी नारायणपुर वासी मां तारानी के छोड़ों में अरदास लगाने कहां और कुछ छोड़ों में भगवान भोलेनाथ और पार्वती मैया की झांकी आएगी कहां। तो कितनी भोली है बोलिए, तो कितनी भोली है, तो कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। और तेरी तुलना किससे करूँगा। ये तो मैया कहाँ वक्त मैया, तेरी तुलना किससे करूँ ना, तुझसा और ना कोई। और मां जब जब टूटा मेरा खिलौना, जब जब टूटा मेरा खिलौना, तू मुझसे पहले रोई क्यों। कहता है एक ही बात भक्त मैया, तू कितनी भोली है, तू कितनी प्यारी है, प्यारी प्यारी है। ओ अगर भजन पसंद लगे तो सभी बमार हाथ उठाएं, जिंदगी माता महिला को भजन पसंद लगे सभी हाथ उठाएं, सच्ची दरबार की जय।